तो भैया देखो फंस गए हैं वापस दोबारा से। पीछे भी देखो ना, पीछे ही पूरा का पूरा जाम है। इतना ट्रैफिक है ना इस रोड में, इतने ट्रक है, इतने ट्रक। तो फाइनली हम एंटर कर गए हैं आपका। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ अभी आपके श्रीनगर से 15 किलोमीटर पहले एक अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है जहाँ हम रुके हुए थे कल। एक्चुअली हमको ना कल पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने रुकवा दिया था यहीं से थोड़ा आगे। उन्होंने बोला कि आप आगे नहीं जा सकते हो और आपको आज बेस कैंप में ही रात गुजारनी पड़ेगी। हमको उन्होंने मना कर दिया था आगे जाने के लिए, कि उन्होंने बोला कि आपकी जान को कुछ भी हो सकता है, खतरा है आगे, तो आप रिस्क मत लीजिए। आप सुबह कांगबाई जाएगी, आर्मी की गाड़ियाँ जाएंगी तो गाड़ी की मूवमेंट चालू हो जाएगी, तो आपको सिक्योरिटी रहेगी एक तरह की, तो आप कल सुबह जाएगा। तो इसलिए हमने सोचा चलो ठीक है, रिस्क लेना बेवकूफ़ी है ऐसे इलाके में। तो हम रुक गए यहाँ, और तो कल शाम हम यहाँ आ गए थे और कल रात हमको यहाँ रहने का इंतजाम हो गया था। तो अब देख रहे सारे, इतने सारे बेड लगे, कंबल हैं, सब फैसिलिटी थी, भोजन के लिए भंडारा लगा था, सुबह चाय मिल गई थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अब यहाँ से अब निकलना है। तो अब ना रेडी हो गया हूँ मैं बढ़िया करके, जूते भी पहन लिया, चश्मा पहन लिया और अब जैकेट पहननी, उसके बाद बाइक में बैठ के श्रीनगर को निकलना है। और आज ना हमारी पार्टी है। एक्चुअली हमारे लौंडे की ना, ये हमारा लौंडा है, इसके क्या हो गए तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1,10,000 हो गया, 1,10,000 सब्सक्राइबर हो गए। भाई तू बहुत मेहनत करता है, उसके हो सकते हैं तू मेहनत कर, तेरे भी होंगे। तू करना क्यों नहीं कर रहा है? मेहनत तो कर ही रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी मेहनत करता है बेचारा, हम भी कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। लेकिन अभी क्या रहे हैं, टाइम लगता है, मिलेगा इसको भी, मिलेगा बहुत बोल रहा है, इसको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कल हमारा प्लान था, हमारा प्लान ये था कि हम ना, कल हमारा प्लान ऐसा था कि कल हम बोट हाउस में ना अपनी पार्टी करने वाले थे, लेकिन वो पार्टी होते होते रह गई। तो भैया अब रेडी हो गया हूँ और सब सामान अपना गाड़ी में रखा हूँ। बाकी तो मैंने सामान सुबह ही रख दिया था, सब सामान तो सारा पैक करके अपना गाड़ी में डाल दिया था, बढ़िया करके पैकिंग आज कर दी थी। आज जो मेरी साइजिंग है ना गाड़ी की, बहुत बढ़िया करके हुई है और हल्का फुल्का जगह भी बच गया था, तो वहाँ ना मैं अपना थोड़ा बहुत सामान रखूँगा और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम आपका आगे जम्मू के लिए। एक्चुअली हमारा जो प्लान था ना वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, हम अब यहाँ से ना जम्मू सीधे निकल रहे हैं, यहाँ श्रीनगर रुक नहीं रहे, तो ये हमारा प्लान अचानक चेंज हो गया। मतलब कि जम्मू निकलते हैं, जम्मू के बाद फिर आगे अपनी पार्टी वार्टी कुछ भी करेंगे। तो सामान थोड़ा बहुत डालता हूँ गाड़ी पर, उसके बाद फिर गाड़ी रेडी करके यहाँ से निकलते हैं। और ये जो एरिया ना, यहाँ हम रुके हुए थे, यहाँ आपको उस तरफ आर्मी वाले दिख जाएंगे और यहाँ था आपका अमरनाथ का कैंप साइट, और यहाँ सारे जितने भी श्रद्धालु थे ना यहाँ रुके थे। और आगे इस तरफ आपका लंगर वगैरह था और यहाँ एक दुकान थी जहाँ हमने खाना वगैरह कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए थे। यहाँ आपका भंडारा वगैरह था, यहाँ आपके कुछ सोफ़ा वगैरह लगे थे और ये 2-3 टेंट लगे हुए हैं जिसमें आप अपने लिए टेंट ले सकते हो 1,000 रुपये में। लेकिन जो हमको बेड मिला था ना वो था आपका 150 रुपीज़ पर पर्सन, और यहीं से घूम के रास्ता अंदर का है। तो अब हम चलते हैं, हमारा भाई रेडी हो गया, रेडी हो गया, चलें, चलो भाई अब चलते हैं आगे। थोड़ा कुछ कॉपी आइडिया इस हो सकता है, लेकिन अभी ना भंडारा हो रहा है तो जाते हैं भंडारा करते हैं, उसके बाद आगे अपना बढ़ते हैं। ऐसा बना रखी है और बढ़िया करके इंतजाम कर रखा है आपका रहने का। तो प्रसाद खाते हैं और भैया प्रसाद हर हर महादेव। चलते हैं अब यहाँ से आपका सीधे जम्मू की तरफ। भैया रेडी हो गए, चलते हैं, खाना वगैरह भी हो गया है, भंडारा भी खा लिया है, तो चलते हैं रास्ते। केसर वैली, केसर माउंटेन केसर, अलग अलग तरह के केसर के शॉप दिख
तो अभी ना हल्की हल्की गर्मी भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं फिर आगे निकलते हैं। और आगे ना शायद कान भाई भी है, तो उसकी मूवमेंट चल रही है, इसलिए सब साइड कर दिया था। तो हमने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भैया कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी ली और अब ना यहाँ से निकलते हैं। यहाँ रुकना मतलब बेवकूफ़ी है, इतनी गर्मी है ना इस एरिया में, बहुत ज़्यादा गर्मी, बाप रे पसीने निकल गए भाई। और ये जैकेट के चक्कर से ना और ज़्यादा पसीने से निकल जा रहे हैं, ये जैकेट बहुत गर्म है ना, तो चक्कर से पसीने निकल जा रहे हैं। कोई नहीं, चलते हैं अब आगे। ओहो भैया देखो फंस गए हैं वापस दोबारा से, और दोबारा जाम लग गया हाईवे में। पता नहीं ऐसा जाम क्या लग जा रहा है, वो भी फोर लेन रोड पे। अब पीछे भी देखोगे ना, पीछे ही पूरा का पूरा जाम है। और पूरा ऊपर तक जाम है, पीछे तक जाम है, आगे भी जाम है। जाम लगा ना याले रोड पे, पूरा लेफ्ट साइड पे पूरा जाम लगा हुआ है। और फिर यहाँ से डाइवर्जन करके राइट साइड से इन्होंने रास्ता बना दिया है भाई, पूरा इधर का पूरा जाम लगा हुआ है। देखो पूरा रास्ता जाम लगा हुआ है और पूरा ट्रक के ट्रक भरे पड़े हैं इस तरह, पूरा ट्रक के ट्रक भरे पड़े हैं और पूरा ट्रक का ही जाम है। बाप रे, तो मैं ना अभी अपने दोस्तों के लिए रुक गया हूँ बेनीहाल ख्वाजीगुंद, बेनीहाल ख्वाजीगुंद टनल है इसका नाम। और इसकी लेंथ लगभग 1790 मीटर है, यानी 1.79 किलोमीटर का इसकी लेंथ है, बहुत लंबा टनल है। इतना ट्रैफिक है ना इस रोड में, इतने ट्रक बेहिसाब ट्रक है। फाइनली हम एंटर कर गए हैं आपका टनल के अंदर, और भाई बहुत प्यारा टनल है, तो आपको दिखाते हैं नज़ारे। वेट कर रहा हूँ ये टोल के बाद। वह 40 किलोमीटर गाड़ी चला के लगातार, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होने के बाद हम पहुँच गए हैं अभी रामबन। और रामबन से ना अभी पीछे हमारा अभी रोहित है, और आपका बिक्की यहाँ पहुँच गया था। तो भाई हालात ख़राब हो गया, इतना गंदा रास्ता, बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता। तो अभी कुछ
आते कितने सासू करते हैं आपसे बातें। तो भैया टाइम हो रहा है अभी आपका 8:30 और मैं इस समय हूँ आपका एशिया के सबसे बड़े टनल के सामने जिसका नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल। और ये दुनिया का ना ये एशिया का सबसे बड़ा टनल है। तो चलिए चलते हैं अंदर टनल के। पहले टोल आता है और बाइक को भी टोल देना पड़ता है क्या? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल पे आपका स्वागत है। ये आपके एशिया के सबसे बड़ी टनल है। पूरे टनल में ना सिर्फ अभी मैं हूँ यहाँ रुका हुआ और दूर दूर तक कोई गाड़ी भी नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है। ये देखो ना इस तरफ ना इस तरफ, तो इतनी खाली टनल है। लेकिन इसका भी एक एक्सपीरियंस है। मैं सोचा था कोई आया होता तो मैं थोड़ा सा सिनेमेटिक शॉट लेता या कुछ लेता, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। दूर दूर तक देखो ना उस तरफ कोई है ना उस तरफ कोई है। तो भैया खाली टनल, वाह व्हाट एक्सपीरियंस। तो चलिए भाई आगे चलते हैं और आपको निकालते हैं इस तरह से बाहर, मतलब हम भी निकलेंगे और आप भी निकलोगे। सरमौली एक जगह है जहाँ हम रुक गए हैं। जो टनल था ना, टनल से लगभग आप मान लीजिए 5 किलोमीटर आगे हम आए, 5-6 किलोमीटर पहले आ गए और यहाँ अभी रुक गए हैं। और बाइक वगैरह ना यहाँ पर मैंने पार्क कर दिए बढ़िया करके। और अभी हम जा रहे हैं एक जगह खाना खाने के लिए। वहाँ बहुत सही रेट में खाना मिल रहा था तो हमने सोचा कि खाना खा के आते हैं। तो आपने अगर मेरा ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मिलते हैं जल्दी आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।